सो हेलो दोस्तों, स्वागत किया वापस एक नए वीडियो में। सो आज आप सभी इस वीडियो में बताने वाले हैं, अगर आप लोग मलेशिया में ट्रेवल करना चाहते हो, चाहे अगर आप लोग जॉब करने के लिए मलेशिया में आते हो, तो आप लोगों को किन किन पॉइंट को ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आप लोग कभी भविष्य में यहाँ पर जेल ना हो, ठीक है। कभी आप लोग को इमिग्रेशन ना पकड़े, कभी आप लोग को फाइन ना मारे, क्योंकि बहुत सारे इंडियन मेरे भाई को पता ही नहीं होता कि मलेशिया का कानून क्या होता है। तो आप लोग इस वीडियो में 5 पॉइंट हम ऐसा बताएंगे, अगर आप लोग 5 पॉइंट को फॉलो करते हो, आप लोग कभी मलेशिया में आते हो, चाहे अगर आप लोग मलेशिया में हो भी, तो ये इस अगर 5 पॉइंट को आप लोग फॉलो करते हो तो आप लोग कभी भी यहाँ पर जेल नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी आप लोग को नहीं हो सकता, कभी आप लोग को फाइन भी देना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों एक एक करके आप लोग को हम बताते हैं इस वीडियो में कि 5 नियम कौन सा होता है, इनको आप लोग फॉलो करना होता है अगर आप लोग मलेशिया आते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे एक नंबर जो पॉइंट होता है कि अगर आप लोग मलेशिया आ रहे हो काम करने के लिए, तो सबसे पहले आप लोग क्या होता है, यहाँ का इमिग्रेशन जानना होता है कि मलेशिया का इमिग्रेशन कहाँ पर होता है, उसका डिटेल्स क्या होता है, उसका मेल आईडी क्या है, उसका टोल फ्री नंबर क्या है, चाहे वगैरह का जो कुछ भी। तो अगर आप लोग को नहीं पता है तो मेरे वीडियो स्क्रीन पे एक पेज शो हो रहा है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें आप लोग सारी डिटेल्स मिल जाएगी मलेशिया इमिग्रेशन का, ठीक है। मलेशिया इमिग्रेशन का एड्रेस मिल जाएगा, उसका टोल फ्री नंबर मिल जाएगा, ये जो डिटेल्स इसमें आप लोग को मिलेगा मेरे वीडियो स्क्रीन पर जो मिल रहा है इमिग्रेशन का डिटेल्स है। वैसे में अगर आ भी रहे हो तो इस पर आप लोग सबसे पहले इन्फॉर्म कर देना अगर आप लोग फंस जाते हो तो। नंबर 2 नंबर पॉइंट की बात करें तो मलेशिया में अगर आप लोग ट्रेवल कर रहे हो तो उस टाइम आपको क्या करना है कि एयरपोर्ट पर सबसे बड़ा सावधानी रखना है, कोई भी अगर आप लोग सामान दे रहा है तो उसका सामान नहीं लेना है जिसको आप लोग पहचानते नहीं हो। तो अगर उसका आप लोग सामान लेते हो तो उसके सामान में आपको नशीली पदार्थ हो जाता है, जो भी गैरकानूनी सामान होता है अगर आपको दे देता है तो उसको आप लोग लेकर एयरपोर्ट में घुस जाते हैं तो आपको पुलिस पकड़ लेगा, वहाँ पर कस्टम आपको पकड़ लेगा। तो ये सब चीज़ को भी ध्यान रखना पड़ता है एयरपोर्ट पर, ठीक है। कोई भी अगर दूसरा पर्सन आपको सामान दे रहा है जिसको आप लोग नहीं पहचानते तो उसका सामान आप लोग को नहीं लेना है। नंबर 3 नंबर पॉइंट की बात करें कि मलेशिया में अगर आप लोग आते हो तो मलेशिया में आप लोग जिस कंपनी में काम कर रहे हो उस कंपनी में आप लोग को यूनियन के साथ में नहीं रहना, ठीक है। मतलब यूनियन बाजी आप लोग को नहीं करना, नेतागिरी टाइप के कुछ नहीं करना है, जो भी कंपनी के रूल्स है उस रूल्स के ही अंदर में आप लोग काम करना, नहीं तो अगर रूल्स के खिलाफ अगर आप लोग जाते हो कुछ करते हो तो आप लोग को वहाँ पर भी क्या करेगा, कंपनी आपको पुलिस के हवाले कर देगा, ठीक है। तो जो भी आपका बाउंड है, जो एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट के अंदर ही आप लोग को रहकर काम करना होता है। नंबर 4 नंबर पॉइंट की बात करें तो आप लोग को मलेशिया में जब भी आते हो तो आपको जो भी एक एग्रीमेंट पेपर मिलता है उस एग्रीमेंट पेपर को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। उस एग्रीमेंट पेपर में आप लोग क्या क्या लिखा रहता है, उस एग्रीमेंट पेपर जो रहता है उसमें हिंदी में भी लिखा होता है, इंग्लिश में भी लिखा होता है, तो उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे तो आप लोग समझ जाओगे कि मलेशिया का जो भी कानून होता है उस कानून का सारा कुछ उसमें लिखा होता है, तो उसी कानून के साथ आप लोगों को काम करना होता है, ठीक है। उसमें सब कुछ लिखा रहता है उस एग्रीमेंट पेपर में, ठीक है। नंबर 5 नंबर बात करें तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात होता है, आप लोग जब भी मलेशिया में आ रहे हो तो आप लोग को प्रॉपर वर्किंग परमिट पे ही आना, ठीक है। आप लोगों को कभी विजिट परमिट पे यहाँ पे नहीं आना, अगर आप लोग विजिट परमिट पे यहाँ पे आ जाते हो तो आप लोग यहाँ पे आप लोग को काम नहीं मिलेगा, आप लोग यहाँ पे आकर फंस सकते हो। तो जब भी आप लोग मलेशिया में ट्रेवल करना है, मलेशिया में जब भी आप लोग आ रहे हो काम करने के लिए, तो आप लोगों को विजिट वीजा पे नहीं आना है, यहाँ पे वर्किंग वीजा पे प्रॉपर आना है, तो ही आप लोग यहाँ पे काम कर सकते हो, नहीं तो आप लोग आकर यहाँ पे फंस जाओगे, आप लोगों को काम भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यही सब छोटा छोटा पॉइंट होता है जो कि ध्यान देना पड़ता है मलेशिया में आने से पहले, ठीक है। ये सब चीज़ अगर आप लोग ध्यान देते हो मलेशिया में अगर आप लोग आते हो तो कभी भी आप लोग यहाँ पे फंस नहीं सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप लोग मलेशिया में अगर फंस जाओगे आप लोग को जेल हो सकता है, आप लोग को जुर्माना हो सकता है। तो ये छोटा सा एक वीडियो में आप लोग को इन्फॉर्मेशन दिए कि अगर आप लोग मलेशिया में आते हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो हम ऐसे ही वीडियो लाते हैं अपने चैनल पर, मलेशिया के अपडेट देते रहते हैं टाइम टाइम पर। दोस्तों अगर आप सब मेरे वीडियो से इंटरेस्टेड हो, अगर आप लोग सब आप सबको मेरे वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा तो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करना, अगर आप लोग मेरे चैनल बनाए हो तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।